जहां एक और बुधवार 8 मार्च को शहर में महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं का सम्मान और सत्कार किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर एक महिला की हत्या कर दी गई। यह वारदात कलमना पुलिस थाने के मिनी माता परिसर की है, जहां पत्नी के चरित्र पर संशय के चलते हथौड़े से सिर मारकर निर्मम तरीके से पति ने पत्नी की हत्या कर दी। हालांकि इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पुलिस थाने पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। यह घटना बुधवार शाम करीब 4 बजे के दौरान हुई। मृतक महिला ललिता भारद्वाज बताई जा रही है, जबकि आरोपी अमर भारद्वाज का समावेश है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी अमर भारद्वाज सब्जी भाजी बेचने का काम करता है और मिनी माता परिसर में रहता है। परिवार में उसकी मां, पत्नी और 2 बेटियां हैं। अमर अपनी मां के साथ पिछले 4 साल से अलग घर के तल मंजिल में रहता है, जबकि ललिता अपने 14 और 13 वर्ष की 2 बेटियों के साथ घर की ऊपरी मंजिल में रहती है। पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते पति पत्नी का आपस में झगड़ा होता रहता था। उनका यह घरेलू झगड़ा पुलिस थाने में भी पहुंचा था। होली के दिन प्लम्बिंग का काम करने के लिए 2 लोग अमर के घर पर आए थे और ऊपरी मंजिल में रहने वाली उसकी पत्नी के घर गए थे। तब अमर ने उन्हें देखकर बिना पूछे घर में आने का कारण पूछा, तो इस बात को लेकर उसका अपनी पत्नी ललिता से झगड़ा हो गया था। बुधवार शाम पत्नी ललिता कहीं बाहर से घर आई थी, उसी दौरान उसका दोबारा अमर के साथ उसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। आरोपी ने ललिता को पहले में अपने कमरे में बुलाया, बाद में हथौड़े से उसके सिर पर मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद अमर पुलिस थाने पहुंचा और पुलिस को घटना की जानकारी दी। आरोपी को साथ में लेकर जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो उन्हें ललिता का शव खून से लथपथ घर में मिला। इस घटना के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है और आरोपी अमर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गुरुवार को आरोपी को कोर्ट में पेश करने वाली है। आरोपी अमर विजय भारद्वाज आणि त्याच्या पत्नी 4 वर्षापासून वाद होते। अमर ग्राउंड फ्लोरला राहायचा, त्याची पत्नी आणि 2 मुली या फर्स्ट फ्लोरला राहायचा। काल त्याच्याकडे कोणीतरी सम आला होता, त्यावरून पती पत्नीत वाद झाला आणि आज अमरने पत्नीला घरात बोलवलं आणि एका रूममध्ये हातोळ्याने तिच्या डोक्यावर मारून तिला गंभीर दुखापती केलं आणि तिला मेवला नेलं असता डॉक्टरांनी मृत घोषित केलं। मृतकाचं नाव ललिता अमर भारद्वाज आहे। ती ब्युटिशियन होती, ब्युटी पार्लर चालायची। तसंच आरोपी हा लॉरीवर भाजीपाला वगैरे विकायचा, त्याचं नाव अमर आहे। दोघा पत्नी पत्नीत वाद होता आणि दोघं वेगवेगळे राहत होते 4 वर्षापासून। त्यांना 2 मुली आहेत। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षय अंसारी, BCN News, नागपूर।